He is accused of raping a minor, and not only did he take his time to accept summons from the Jodhpur police, Asaram continues to jet set from one city to another without any restrictions. After he yesterday insulted the alleged rape victim, Asaram's son today has gone a step further, calling her mentally unstable. And it's not just this. While severe reactions have been coming in from the political quarters, the Congress and the BJP are in the midst of a blame game over this issue. In the meantime, Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot did meet with the Home Minister Sushil Kumar Shinde to brief him on the investigations in the case. And defending the police, Gehlot has clarified that the police is rightly doing their job. Even as the victim's family alleges that they are being threatened. The big question is that why has Asaram not been quizzed or arrested in this case? The charge against him is very serious. He is accused of raping a minor. Now, reports coming in, sources telling your channel that the victim's family is being threatened. Let's in fact listen into Asaram's son, who's gone a step ahead today and called the victim mentally unstable. अभ्यास करती बारनू धोया तो इन्हें त्या पण ए मानसिक अस्वस्थ थी नावा जाए तो बेबे कल्ला कभी अडी कल्ला नहाती रहे पछी विशेष मां ने राख विशेष करवा जाए तो पोणो पोणो कल्ला ना आवे એટલે ત્યાંના ગુરુ કુમના લોકો જાણ કરી એમના માં બાપ ને કે ભાઈ આ જરા માનસિક સ્વાસ્થ્ય બરાબર નથી કે શું છે તમે આવીને જુઓ એ લોકો આવ્યા જોયું અને શું કરીએ અમે કે ચાલો બાપુ પાસે આ સમસ્યાનું સમાધાન કરવા જઈએ તો ત્યાંથી છિંદવાડાથી એ લોકો જોધપુર ગયા धमकियां मिली थी बराबर टेलीफोन पर उन्होंने कहा आप ये गलत कर रहे हो इसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे खूब उन्होंने किया था दो तीन दिन तक लगातार अभी तीन चार दिन से आनी बंद हुई क्योंकि मैंने उनको फोन पे ये कह दिया मैंने कहा फोन ये टेप हो रहे हैं पुलिस के पास पूरा रिकॉर्ड आपका बन जाएगा तब धमकी आनी बंद किन लोगों के नाम बताना चाहेंगे हाँ बताया मैंने गोविंद तनेजा ने मुझे धमकी दी गोविंद तनेजा ने और भानु भाई ने दी मुझे कहने लगे गलत कर रहे हो आप कल बापू ने पूजा बहन ने कहा उसका कल प्रिंसिपल ने ये कहा कि आपको बापू से मिलना चाहिए मैंने क्यों मिले मैंने कहा बोले आपको बापू से मिलकर पूछना चाहिए मैंने क्या पूछो क्यों हमारी इज्जत मीटिंग मिला ली है पूछे मैं बोले नहीं मैं आपको मिला सकता हूँ आपको चलो टेलीफोन पर बात करेंगे बात करेंगे ना मुझसे मिले टेलीफोन पे बात कर ले हमने काम नहीं कर सिंह साहब संजय बैटरी सिंह साहब जिस तरह से राजस्थान पुलिस ने कुछ धाराएं आपके मुकदमे से हटाई हैं तो आप क्या मान रहे हैं इस चीज हटाई नहीं उन्होंने आज मना कर दिया हटाई नहीं उन्होंने कोई धारा नहीं हटाई अगर वो धारा हटा भी देंगे तो तब भी हमें कोई चिंता नहीं क्यों क्योंकि मैं ऊपर तक लड़ूंगा उनके हटाने से क्या फायदा एक सवाल है बेटी को न्याय दिलाने के लिए किस तरीके की सजा की मांग करते हैं किस तरीके की सजा पुलिस किस तरीके की सजा मांग करते हैं बेटी को न्याय दिलाने के लिए कहाँ तक जाएंगे पूरी सजा जो कानून में है वो पूरी सजा से मिलनी चाहिए ऐसे आदमी को फांसी लटका देना चाहिए आज किस तरह से आशाराम जी या कोई भी व्यक्ति गांधी जी से भी उठकर और एक अलग अपना तरीका दिखा रहा है जिस तरह से उनका व्यवहार है दुख होता है और अधिक लग रहा है कि क्या सही में कुछ गलत है क्या सब सही हो तो हम तो पहले आगे आए कहने को कि भैया सही है और जब कुछ गलत होता है तब हम अनेक कारण या अनेक बहाने या अनेक विषय खोजते हैं कि क्यों हमें आगे नहीं आना चाहिए तो मुझे नहीं लगता है कि किसी इंसान का बढ़पन इसमें है कि कोई कानून के अधिकारी आए चाहे वो पुलिस हो कलेक्टर हो कमिश्नर हो कोई भी हो तो उसको 10 घंटे रुकाकर रखो 5 घंटे रुकाकर रखो इस तरह से करने से कोई इंसान अपनी महानता नहीं बढ़ाता है।